हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एंटासिड। लेकिन यार, उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे कि यार, मैंने बहुत ही लंबा गैप ले लिया है। बहुत ही दिनों के बाद ये वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी रही है जिनका रिस्पॉन्स हम नहीं कर पाए हैं अभी तक, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। दोस्तों, अब मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में जिस तरह से हमारी क्लासेस पहले चला करती थी उनको फिर से वैसे ही कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा एंटासिड्स। जितने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, ठीक है, इवन मेडिसिनल केमिस्ट्री में बैचलर फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हो चाहे वो फार्माकोलॉजी में हो, एंटासिड्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जनरली डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे शॉर्ट नोट या फिर आपको डिटेल नोट इसमें मांगा जाता है। तो जितना मैटर मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड किया है, ठीक है, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया है, आपको ठीक वैसे ही उतने ही सफिशियंट मात्रा में क्वेश्चंस में आंसर लिखना है। ठीक है, सफिशियंट है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन चाहे पूछा जाए, चाहे वो 8 नंबर का पूछा जाए। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा मायने रखता है रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन को जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है आपको ठीक वैसे ही रिप्रेजेंट करना है और वैसे ही आपको अपने नोट्स में उतार लेना है। ठीक है, चाहे वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे उसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड सारी चीजें हम बता सकें। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, कोई भी आपका डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स और कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहे। ठीक है, चलिए आइए स्टडी करते हैं अबाउट द एंटासिड्स। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंटासिड्स। सबसे पहले हम आपको इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं जिससे आप थोड़ा सा इससे फैमिलियर हो जाएं, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं इस टॉपिक को लेकर। दोस्तों, ये ऐसी मेडिकेशन है जिसको आजकल की दिनचर्या में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा धड़ल्ले से यूज़ करना पड़ता है। मतलब हमारी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम इस मेडिकेशन को हमेशा यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका इनो। सभी लोगों ने अपने जीवन काल में एक आध बार तो इसका यूज किया ही होगा। ठीक है, डाइजिन सिरप आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है इनो का। इनो काम करे सिर्फ 6 सेकंड में। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं हमारे एंटासिड्स के। ठीक है, तो देखिए अब एंटासिड्स अगर हमें समझना है कि आखिर ये क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं। ओके, तो एंटासिड जो वर्ड है ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एंटासिड्स टर्म जो है हमारा ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारा एंटा और दूसरा है एसिड्स। तो एंटा मतलब एंटी। ठीक है, तो जस्ट लाइक एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग, एंटी वायरल ड्रग, यहां पर आपका एंटासिड हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर एंटीवायरल ड्रग क्या होती थी, ऐसी ड्रग्स जो वायरस को किल करें या वायरस की ग्रोथ को अपोज करें। ठीक है, उनके अगेंस्ट काम करें। तो इसी तरह से यहां पर हो जाएगा ऐसे एजेंट्स जो एसिड का अपोज करें। ठीक है, ऐसे एजेंट्स जो एसिड का अपोज करें उनको हम बोलेंगे एंटासिड्स। या अगर हम ऐसे कहें कि ऐसे एजेंट्स जो एसिड को न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, ऐसे एजेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर, जो स्टमक होता है उसके अंदर एक पैराइटल सेल होती है जो कि HCl का सेक्रीशन करती है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो रहा है तो उससे तो कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। लेकिन जब एबनॉर्मल ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है तो वहां पर हमें एसिडिटी जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो उस एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हम एंटासिड्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है नॉर्मल लेवल में जब ये रहता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। ठीक है, ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इसका ओवर प्रोडक्शन जब होने लगता है, ठीक है, तब ये एसिडिटी कॉज करता है। तो वो कंडीशन समझ लेते हैं कि आखिर किन कंडीशन में ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है आपकी ओवर ईटिंग, मतलब जब मतलब से ज्यादा हम खाना खा लेते हैं तब हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा है रिलीज ऑफ हिस्टामिन्स। ठीक है, बहुत सारे एलर्जिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में HCl के सेक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। ओके, तीसरा है आपका कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड, मतलब कि जब ज्यादा तला भुना चीज आप ज्यादा खा लेते हैं, समोसे पकौड़े एक्सेट्रा अगर आप ज्यादा खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपको हाइपर एसिडिटी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चौथी कंडीशन है हमारी गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, इसको हम GERD, ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, इसको हम GERD बोलते हैं। इस कंडीशन में भी हमें हाइपर एसिडिटी जैसी समस्या हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हाइपर एसिडिटी मतलब कि HCl का सेक्रीशन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गया है, ठीक है, तो वहां पर हमें कौन सी प्रॉब्लम होंगी, कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है हार्ट बर्न। ठीक है, हार्ट बर्न क्यों होने लगता है, देखिए ये है आपकी इसोफेगस और ये मान लेते हैं हम हमारा स्टमक है। ठीक है, ये स्टमक है, इसके अंदर गैस्ट्रिक एसिड होता है,
अब नॉर्मली क्या होता है कि ईसोफेगस से जब भी कोई फूड आता है तो ये यहाँ पर स्फिंक्टर लगा होता है, ठीक है, जो कि अलाउ करता है स्टमक के अंदर आने के लिए। लेकिन इन द कंडीशन ऑफ हाइपर एसिडिटी, ठीक है, या ओवर ईटिंग, क्या होता है जब हम मतलब से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ये स्फिंक्टर जो है ये हमारा क्लोज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक एसिड एक्युमुलेट होता है स्टमक के अंदर वो ईसोफेगस के अंदर जाने लगता है, ठीक है। ईसोफेगस के अंदर जब जाएगा तो यहाँ पर जलन जैसी प्रॉब्लम होने लगेगी, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट बर्न, ठीक है, या हार्ट बर्न। ओके, अब देखिए डिस्कम्फर्ट, चेस्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, चेस्ट पेन हमें महसूस होगी, कोई भी चीज अगर हम उसको स्वॉलो करेंगे, निगलने की कोशिश करेंगे तो वहां पर भी हमको समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स हैं, अगर ऐसी कंडीशंस अपियर हो रही हैं तो समझ जाइए आपको हाइपर एसिडिटी है, ठीक है। या कभी कभी इंडाइजेशन जब हो जाता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, तब भी यही सारी कंडीशंस अपियर होती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इन कंडीशंस से एंटा एसिड जो होंगे वो हमें कैसे रिलीफ देगा, ठीक है। तो देखिए एंटा एसिड जो होते हैं, इन द कंडीशन ऑफ हाइपर एसिडिटी एंटा एसिड्स रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो पैराइटल सेल्स हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं स्टमक के अंदर, उससे जो हमारे एंटा एसिड्स होंगे वो रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ और उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे हमारे जो एंटा एसिड्स होंगे, तो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी मतलब कि क्या हुआ, पीएच आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो हाइपर एसिडिटी हमें हुई थी वो हाइपर एसिडिटी अब रिड्यूस हो जाएगी, उससे हमें रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है, देखिए बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन से इंटरफेयर करती हैं, लेकिन जो हमारे एंटा एसिड्स होते हैं वो एसिड सेक्रीशन से कोई इफेक्ट नहीं रखते हैं, मतलब कि वो ना तो बढ़ाएंगे गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन को और ना ही घटाएंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, केवल और केवल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके इफेक्ट को कम करते हैं, ठीक है, और पीएच को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि एल्कलाइन बना देते हैं, ठीक है। अब पीएच जो हमारा होता है जैसे ही बढ़ता है एसिडिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो एंटा एसिड्स डू नॉट रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन, दैट इज नो इंटरफेरेंस विद द एसिड प्रोडक्शन। बहुत सारी एसिड ड्रग्स होती हैं जैसे H2 ब्लॉकर्स होती हैं जो हमारी, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं जैसे ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, सेमेटिडिन, रैंटेक, ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं, ये गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रीशन से इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो एंटा एसिड है हमारे वो केवल और केवल बाय मींस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं कि आखिर जो एंटा एसिड्स होते हैं इनका केमिकल नेचर क्या होता है। तो सीधी सी बात है, एसिड से अगर कोई भी रिएक्शन कर रहा है तो उसका नेचर जो होगा एसिड के अपोजिट होगा, दैट मींस बेसिक नेचर का होगा। तो उसी तरह से हम बता रहे हैं आपके जो हमारे एंटासिड्स होते हैं वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं या बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब बेसिक नेचर के हैं इसलिए हम आपको एक कॉमन फंडामेंटल बेसिक रिएक्शन होती है आपकी कि जब भी कोई एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो वहां पर सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक आपने लाइन छोटी सी सुनी होगी कि अम्ल क्षार की हुई लड़ाई बने लवण जल भाई भाई, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एंटा एसिड जो है हमारे वो बेसिक नेचर के हैं और एसिड जो कि हमारा गैस्ट्रिक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जब रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा और यहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जब एसिड यहां पर न्यूट्रलाइज हो गया तो पीएच हमारे जो स्टमक का है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और हमें एसिडिटी से रिलीफ मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आपका यहां पर एक एंटासिड है जो कि सिस्टमिक एंटासिड है। अभी हम सिस्टमिक एंटासिड्स क्या होते हैं ये बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर आप रिएक्शन समझिए। देखिए आप एग्जाम्पल जब दीजिएगा तो रिएक्शन वहाँ पर जरूर दे दीजिएगा, ठीक है, आपके एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपको अच्छे नंबर वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि हमारा सिस्टमिक एंटासिड है, ये एंटा एसिड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहां पर सॉल्ट कौन सा बनेगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, और वाटर निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, मतलब पीएच बढ़ जाएगा और हमें एसिडिटी से रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन पीएच मोर देन 5 एंड रिलीफ फ्रॉम हाइपर एसिडिटी, ओके। दूसरे एक रिएक्शन हम देख लेते हैं, तो यहां पर है कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा ये भी एक एंटा एसिड है, ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बनाएगा
और कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। एक फंडामेंटल यही आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब भी एसिड और बेस की लड़ाई होगी तो लवड़ और जल दोनों बनेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा, एनिमेशन के माध्यम से आपको यहां पर हम दिखाएंगे। देखिए हमने यहां पर जैसे ही ड्रग इंटेक किया, ड्रग इंटेक करेंगे तो वो हमारे गैस्ट्रिक एसिड के अंदर आएगी, मतलब स्टमक के अंदर आएगी, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि एसिड से रिएक्ट कर रही है, अब जैसे ही ड्रग हमारी डिसॉल्व होगी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब देखिए आप पीएच स्केल को देख लीजिए, जब वो एसिडिटिक कंडीशन थी तो वहां पर पीएच स्केल के वो 1.2 से या 2.5 के अंदर रहता है, जब हाइपर एसिडिटी कंडीशन होती है हमारी, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये ड्रग डिसॉल्व हुई, ये पीएच कर्सर नीचे आता जा रहा है ना, मतलब बेसिसिटी की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा कि जो पीएच जितना ही कम रहेगा, पीएच जितना ही कम रहेगा मतलब कि एसिडिटी कंडीशन है, ठीक है। और जब पीएच हमारा बढ़ेगा मतलब कि 7 की ओर आएगा, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने बताया ना, तो न्यूट्रल पीएच कितना होता है 7 पर, ठीक है, ना एसिड ना बेसिक। तो अब देखिए जो हमारे एंटा एसिड्स हैं, जैसे ही हमने एंटा एसिड्स लिया, पीएच हमारा बढ़ने लगा मतलब कि 7 की ओर आने लगा, ठीक है। और हमने बताया था कि ये जो एंटा एसिड्स होते हैं ये 4-5 पीएच मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे कोई एंटासिड्स अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड्स के बारे में। जैसे हमने यहां पर लिखाया है आपको, जैसे मैंने नोट्स बनाया है आपको एग्जैक्ट वैसे ही कॉपी कर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर से या 10 नंबर का नोट्स पूछा जाता है, शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको लिखना है यहां पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड्स की बात करते हैं हम अगर, तो एंटासिड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। वैसे देखिए हम इनको बहुत तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे कर सकते हैं, इनकी जो नेचर है मतलब कि ये कैसा एक्शन अपना दे रहे हैं, कोई वीक है कोई ज्यादा स्ट्रांग एक्शन देता है, उसके बेसिस पे कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एंटासिड्स को डिवाइड किया है उनके नेचर के आधार पे कि आखिर वो एब्जॉर्बेबल है या नॉन एब्जॉर्बेबल है, ठीक है। तो पहला है हमारा सिस्टमिक एंटासिड्स, दूसरा है हमारा नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। देखिए टर्म से आपको पता चल रहा होगा कि सिस्टमिक एंटासिड्स वो होंगे जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। सिस्टमिक एंटासिड्स का मतलब क्या होगा कि ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब होंगे और फिर अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। और जो नॉन सिस्टमिक या नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स हैं वो ये हमारा स्टमक हो गया, यहीं पर आकर अपना साइट ऑफ एक्शन प्रोड्यूस कर देंगे, मतलब कि ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है, ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर नहीं जाएंगे, ये अपना एक्शन वहीं पर फिजिकली प्रोड्यूस करेंगे, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा आखिर एग्जांपल है सिस्टमिक एंटासिड्स का। तो एक हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 जो कि हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सिस्टमिक एंटासिड्स है, मतलब कि ये अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस करेगा, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होके ये हमारा सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगला है हमारा नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स, मतलब ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए इसको हम नॉन एब्जॉर्बेबल बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे जो कि नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड्स के बारे में। आइडियल प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो आइडियल प्रॉपर्टी है कि भैया कोई भी अगर एंटासिड है तो उसकी एंटासिडिक प्रॉपर्टी जो है वो गुड होनी चाहिए, ठीक है, शुड हैव गुड एंटासिडिक प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता होना चाहिए और इजिली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई किसी मेडिकल स्टोर पर हम जाते हैं तो वहां पर ना मिले, ठीक है, और इकोनॉमिकल होना चाहिए, जैसे इनो 9 रुपए का आता है आजकल कंडीशन में, है ना। अगला है हमारा एक्ट एज अ बफर इन रेंज बिटवीन पीएच 4-6, मतलब बफर का काम क्या होता है कि पीएच को मेंटेन करना, मतलब ना ज्यादा बढ़ने देना और ज्यादा घटने भी नहीं देना, ठीक है। तो जो हमारे एंटासिड्स होते हैं ये 4-6 के बीच में पीएच को मेंटेन करते हैं, मतलब एक्ट एज अ बफर, ओके। अगला क्या है, शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन। देखिए जो हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है, ठीक है, वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, तो ये उसका ड्रॉबैक है। तो जितने भी एंटासिड्स हैं उनसे हम उम्मीद ये करते हैं कि भैया ये कॉन्स्टिपेशन ना कॉज करे। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमने बताया यूज बहुत ज्यादा कंडीशन में होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, ठीक है। एक हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एक हमारा हो गया हमने आपको बताया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, AlOH का होल, और ये हो गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए ये जो हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में, या कोई भी स्टोर कीपर वगैरह से रिलेटेड कोई भी अगर फार्मासिस्ट का एग्जाम आप दे रहे हैं तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कैसा एडवर्स एक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये आपका कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, ठीक है, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये आपका लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस करता है,
ठीक है। अब देख लीजिए, कॉन्स्टिपेशन और लैक्सेटिव ये दूसरे एक दूसरे के पूरक हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, ठीक है। जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं तो इसका कॉन्स्टिपेशन जो इफेक्ट है इसके लैक्सेटिव इफेक्ट से नलिफाइड हो जाता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में हमारा एक फायदा हो गया कि अगर हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं कॉज कर पाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस करता था वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। इन दोनों के एक्शन को नलीफाइड कर दिया जाएगा एक दूसरे के द्वारा, ठीक है। तो जितने भी एंटासिड्स हैं उनका काम क्या है कि आइडियल प्रॉपर्टी कॉन्स्टिपेशन नहीं कॉज करना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट शुड हैव क्विक एंड प्रोलॉन्ग एक्शन, मतलब ज्यादा देर तक काम करना चाहिए इनको, ठीक है। वैसे ज्यादातर जो होते हैं हमारे ये 40 से 50 मिनट से ज्यादा काम नहीं करते हैं। हम जो आइडियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहां पर हम ये कहते हैं कि भैया ये जल्दी अपना एक्शन प्रोड्यूस करे, जैसे कि इनो 6 सेकंड में काम करने लगता है ना, तो वहां पर क्विक एक्शन जितने भी एंटासिड्स हों तुरंत हमें रिलीफ प्रोड्यूस करें और प्रोलॉन्ग एक्शन उनका होना चाहिए, ठीक है। अगली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि शुड नॉट इंटरफेयर विद द फूड और अदर ड्रग, मतलब कि अगर हम कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं उसको किसी दूसरे ड्रग के साथ ले रहे हैं या फूड जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है उससे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब चिलेट का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए या किसी तरह से दूसरे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाते हैं, आइडियल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं हमारे एंटासिड्स की। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है यहाँ पर, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्स।